लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा, विमानन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 100% विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खोल दिया है। 100% विदेशी निवेश से भारतीय उद्योग प्रभावित होगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि लोसपा विदेशी पूंजी निवेश के खिलाफ 9 अगस्त को विदेशी पूंजी भगाओ दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार ने रक्षा, औषधि, खाद्य प्रसंस्करण और विमानन आदि क्षेत्रों में 100% विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति दी है। यह विदेशी पूंजी निवेश से देश के लिए नुकसान ज़्यादा होगा, लाभ कम होगा। खाद्य प्रसंस्करण के नाम पर हिंदुस्तान के रोजगार भी खत्म होंगे, देश का पैसा जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार स्वदेशी का नारा लगाती थी, अब चुप है। जब जब भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा विदेशी समर्थक हो जाती है, और जब सरकार से बाहर होती है तो स्वदेशी समर्थक हो जाती है। ठाकुर ने हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में जमकर लेन देन हुआ है। इस मंत्रिमंडल का एक ही क्राइटेरिया है कि मुख्यमंत्री की खुशामद, जेब में पैसा और राजनीतिक ताकत। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।